नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर अपनी कमाई का नहीं बल्कि 10 और लोगों की कमाई का फिक्र करता है। जब तक आप अपनी कमाई का फिक्र करेंगे तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर नहीं है, क्योंकि आज के डेट में और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ी फेलियर का कारण यही है। लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अपनी कमाई का फिक्र करने लगते हैं। यहाँ पर अपनी कमाई तो आएगी आएगी, यहाँ पे लोगों को लीडर क्रिएट करना है। इन लोगों की कमाई क्रिएट करवाने बिजनेस से आप कितने लोगों को सक्सेस बनाए, आप कितने लोगों को सफल बनाए, वो डिपेंड करता है नेटवर्क मार्केटिंग का असली लीडर कौन है। दोस्त इससे इसके थॉट एक आते हैं, पावरफुल माइंड इज अ हैप्पी माइंड, पावरफुल माइंड इज अ हैप्पी माइंड। जो हो सकता है वही सोचना है, और जो सोचना है उसे करके दिखाना है मेरे दोस्त। एक्चुअली क्या है ना, सोचने लगते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही एक प्लान तो एक से यहाँ पर बड़ी बड़ी कार, ऐसा ऐसा करोड़पति आ रहे, 10 लाख 20 लाख की इनकम आ रही, करोड़ की इनकम यहाँ पर देखने, अरे मैं तो यार 2 महीना में करके दिखा दूंगा। आज जब भी 10 लोगों के पास जाएंगे उसके फेल होंगे, यार साला तो सबसे फालतू बिजनेस है यार, क्यों करूं यार, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा, यही सोचने लगते हैं। और एग्जांपल में एक ट्रेडिशनल की बात बोलूँ, जब मैं स्कूल पीरियड में जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो वहाँ पर जब क्लासमेट में एक दोस्त हुआ करता था मेरे पास, और वो उस वक्त क्या करता था, उस वक्त मैं आसाम में था ना, तो उस वक्त क्या करता था, बोलता था मालूम है मेरी हैदराबाद में मारूफ फैक्ट्री है, 5 फैक्ट्री है, और टाटा बाटा अडानी से अंबानी अडानी से ये सब से बड़े बड़े लोगों से को टक्कर देने वाला आने वाला 5 साल में, ऐसा ऐसा क्लास है 5-6 के मीटर, आई थिंक 5-6 या 7 के क्लास के मीटर की बात है, तो ऐसा ऐसा डायलॉग मारता था। आज के डेट में पता है वो किराने वराने का शॉप वगैरह चला रहे शायद, आई थिंक आसाम में अभी, तो ऐसा ऐसा प्लानिंग मतलब बड़े बड़े बातें करना, तो बड़े बड़े बात झोल वाली बातें नहीं करना है, जो हो सकता है उसे सोचना है, और जो सोचना है उसे करके दिखाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग का भी ठीक फॉर्मूला यहीं बैठता है, जो आप सोचते हैं, जो आपके ड्रीम है, जो आपकी विजन है, उस विजन जब क्लियर है ना मेरे दोस्त, तो आपको रुकना नहीं है, उस विजन पे आपको काम कर लीजिए, मेहनत करिए, मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं, विदाउट मेहनत पे कहीं सफल होने नहीं सकता मेरे दोस्त, याद रखना। मेहनत जब तक करेंगे नहीं तब तक सफल कैसे होंगे, क्योंकि घर से निकलेंगे तो मंजिल तो मिल ही जाएगा, घर से निकलेंगे तो मंजिल तो मिल ही जाएगा, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं, क्योंकि घर से निकलेंगे नहीं और कहेंगे मुझसे सफल होना है, मुझे ये कार लेना है, मुझसे आने वाले 2 महीने में कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, सारी प्लानिंग करके उसके बाद घर पर बैठे रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे और मार्केट में जाएंगे नहीं, और बिजनेस कैसे, बिजनेस का मंथ एंड में जब 0 हो जाएगा बिजनेस, तब बता रहे यार तो मैं तो बिजनेस तो मेरा फेल हो गया, मेरा बिजनेस तो ऐसा हो गया। मेरे दोस्त मैं आप बिजनेस फील्ड में आप हैं तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का बिजनेस है मेरे दोस्त। जब तक लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, तब तक आपके पास लोग ही नहीं आएंगे, और लोग जब आएंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, और लोग नहीं आएंगे तो बिजनेस आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि लोग तक का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, ये आपका खुद का बिजनेस नहीं है, है आप एज ए लीडर, आप इस सिस्टम का एक मालिक है, आप खुद का मालिक है, लेकिन मालिक भी जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी टाटा बाटा अंबानी अडानी रिलायंस विलायंस जितना भी है, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो सारे लोग मार्केट के कैप्चर कर रखे हैं मेरे दोस्त। जितने कस्टमर उनसे संतुष्ट है तब उनका बिजनेस चल रहा है, ये भी बिजनेस लोगों का है। आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे तो लोग आप तक कैसे पहुँचेंगे मेरे दोस्त, आप सोचिएगा, या चाहे मैं हम सोचेंगे कि घर पे बैठेंगे, अरे मेरे को तो एक प्रोफाइल देखेगा मेरे फेसबुक इंस्टा पे ऐसे इतने इतने फॉलोअर्स हैं, और मेरे को देख के फॉलो करके लोग आएंगे, भाई पूछेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे भी ज्वाइन करो, अपने साथ काम करो, आप ऐसा सोचेंगे या मैं भी ऐसा सोचूंगा, मेरे दोस्त कोई भी नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं आने वाला है, कोई बिजनेस ही ज्वाइन नहीं करेगा मेरे दोस्त, जब तक आप लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम लोगों तक नहीं पहुँचेंगे तब तक लोग हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमारे बिजनेस 0 हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म बेस्ट करियर, एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, एक आने वाली यूथ आइकन को डेवलप करने वाला, और बहुत ही बड़ी एक क्रांति लेकर आ रही है, और इतनी जनसंख्या की यूथ आइकन में अभी
जो आंकड़ा दिखाया गया, अभी एक आंकड़ा निकाला था, तकरीबन 1% से भी लोग, हमारे जितने पॉपुलेशन है उसके 1% से कम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, 1% से कम लोग। तो सफल बनना है, सक्सेस बनना है, सिस्टम चॉइस करिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करिए, मनी रिडक्शन प्लान पर न जाइए, प्रोडक्ट विस प्लान पर आइए और आप अपना सुनहरा भविष्य को एक उजागर करिए और आप एक सफल व्यक्ति बन जाइए। मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय नमस्कार।